बैक टू आवर न्यू व्लॉग एंड चैनल। 10:30 हो रहे हैं, हम सो के उठे हैं और ये अभी सो के उठे, मतलब ये अभी सो के उठे हैं। हम उठ गए थे 10 बजे, ये अभी 10:30 सो के उठे हैं। ये कौन? कुणाल। तो अभी चाय पियेंगे। यार कल पता क्या हो गया था, कल ना हमने फास्ट रखा था, तो ना हमने मतलब पूरा ही फास्ट करा था, पानी वानी कुछ नहीं पिया था। हमने डिसाइड किया था कि यार पूजा वूजा करके ना खाएंगे और पियेंगे, पानी भी तभी पियेंगे। तो क्या हो गया, कल हमने बनाए थे आलू, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देखोगे हमने बनाए थे आलू और दही, और खाली पेट खा लिया। और पता इतना हेडेक हो रहा था, क्या बताऊँ। पापा का बर्थडे भी ठीक से इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे बोला कि इतना कठिन रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाय पी सकते हो अगर नहीं हो पाता। कहते भगवान ये नहीं बोलता कि अपने शरीर को कष्ट दे के मेरे लिए व्रत रखो। तो आज हम चाय पी लेंगे ताकि ना थोड़ा गैस ना बने और थोड़ी एनर्जी रहे। और खाने में क्या बनाएंगे लंच में हम, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं बनाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट मतलब झाड़ू पोछा करते हैं, पूजा करते हैं, चाय पीते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, पूजा करते हैं, फिर मैं सीधा आपको मिलती हूँ। कहाँ पे? लंच पे। खाना खाते हो सो जाते हैं? खाना खाते हो। कितने बजे सोए थे कल रात को? 5:30। 5:30 सोए थे? मूवी देख रहा था। ये देखिए आदमी 5:30 बजे सोया, मूवी देख रहा था क्या? चलिए एनीवेज, तो चलिए हम लोग ना काम वाम करते हैं फटाफट, और थोड़ा सा नींद भी, मेरी भी ढंग से नींद नहीं हुई है, पता नहीं क्या हो रहा। तो चलिए, और पता है सुबह सुबह 6:30 बजे कियान ने कर दी पोटी। एक तो लड़का ना आजकल रात में और सुबह सुबह पोटी कर रहा है, नींद ख़राब हो जाती है। और तो चलिए अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइज, सी यू। तो गाइज हमने नहा लिया है और अब हम करते हैं पूजा, फिर खाना खाएंगे। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है, अब हम जाएंगे खाना बनाने। देखते हैं, देखते क्या है, मेरे को पता क्या बनाना है, तो मैं तैयारी करके रखी हुई है। चलिए हम बनाते हैं, चलिए लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ी, और इसमें कुट्टू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, सेंधा नमक है और हरी मिर्च डाली है बस। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम होने रखी है, जैसी गरम हो जाएगी मैं तेल डाल दूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं पूड़ियाँ कैसे बनाती हूँ। मैं हाथ से नहीं बनाती, मैं थैली पर रख के बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज मैंने ये थैली ले ली है और इस पर ना थोड़ा सा तेल लगा दिया है, ऐसे तेल लगा दो। जो हाथ से नहीं बना पाते ना उनके लिए है ये। और ये मैंने लोई ले ली है कुट्टू की पूड़ी की, इस पर भी थोड़ा तेल लगा दिया और इसको हमने ऐसे ढक दिया, ठीक है। और इसको ना आप ऐसे प्रेस कर दो, ऐसे प्रेस कर दीजिए,
जितना आपको पतला रखना, जैसे पूरी पतली होती है, कोई कोई मीडियम होता है, कोई कोई पतली रखते हैं, कोई कोई थोड़ी मोटी रखते हैं, तो मैं ऐसे रखती हूँ। ये देखिए ये बन गई हमारी पूरी। तो इसको करते हैं अब हम फ्राई। चलिए, तो हमारा तेल गरम हो गया है और मैं इसमें अब डालूंगी पूरियाँ। ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो जाए तभी डालें। तो ये डाल दी मैंने पूरी। इसको अच्छे से दबा लीजिए ताकि ये फूल जाए अच्छे से। तो देखिए गाइस, हमारी ये खस्ता खस्ता पूरी तैयार है। अब इसी प्रोसीजर से हम बाकी पूरियां बनाते हैं। चलिए, तो गाइज़ ये देखिए हमारी आज फास्ट का ये हमारा खाना है जो मैंने कुट्टू की पूड़ियाँ बनाई हैं। और आपको मैंने प्रोसीजर बताया था कि जो हाथ से बना नहीं पाते, बेलन से नहीं बनती, तो आप इसको थैली पे रख के भी बना सकते हैं, प्लास्टिक पेपर पे। तो आज हम ये खा रहे हैं और दही है। तो चलिए गाइज़, बहुत भूख लगी है, खाते हैं फटाफट, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़ मैं खाइज बोल रही थी। तो गाइज़ हमने खाना खा लिया है और पेट भर के खा लिया है। नहीं गाइज, मैं सोऊंगी नहीं, मैं नहीं सोती, मेरे कुछ अपने काम होते हैं जो मैं करती हूँ। क्या सोएगा, मैं सीधा ना डायरेक्ट रात में सोती हूँ क्योंकि मेरे को फिर नींद नहीं आती। झूठ क्यों बोल रही हो? कभी बोलती चलो गाइज हम सोएंगे, मेरे को आ रही नींद। मैं बोलती चलो गाइज हम सोएंगे, पर आपने देखा मैं सोते है? देखा है? हाँ तो बोलते रहते मेरे बारे में यार, देखा है मेरे को बोलते हैं, देखा है? हाँ देखा, मैंने देखा है, झूठ बोलते हो। दिखाऊं मैं कि कुनाल क्या कर रहे हैं? कुनाल ना बर्तन धो रहे गाइस, बर्तन ही धो रहे, क्यान की कुछ बॉटल्स हैं वो बॉटल धो रहे हैं। और कल तो गाइस कल बहुत ही बिजी दिन जाने वाला है, कल अष्टमी है। तो कल सुबह जल्दी उठ के कल हम आपको ले चलेंगे कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। मैं यहाँ पे पता क्या है गाइस, अब जब से कोविड आ गया ना तब से कन्याओं को बुलाता ही नहीं घर में कोई। और बताओ हमारी बिल्डिंग में भी ना, मत बिल्डिंग की आजकल लड़कियाँ मिलती ही नहीं आसपास, पता है? ढूंढते रह जाओ कन्याओं को, कहाँ से लाएँ कहाँ से लाएँ। तो सबसे अच्छा जो तोड़ होता है, आप मंदिर जाइए, मंदिर में आपको बहुत कन्याएँ मिल जाती हैं। और स्पेशली वो वाली होती हैं, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब जैसे थोड़े गरीब लोग होते हैं, खाने को इतना नहीं होता, तो उनको भी दे सकते हो। तो उनको भी दे सकते हैं, हाँ ज़्यादा बेटर है, वो गरीब है, खाने को मिलता नहीं है, तो बेटर है उनको ही दे दो। और तो कल का जो वही अपना प्रसाद का खाना है, चने पूरी हलवा। और मैं सोच रही हूँ कि गर्मियाँ भी हैं तो ना उन लोगों को साथ में एक छोटे छोटे से फ्रूटी के टेट्रा पैक वाले वो दे दूँ। तो कल हम जाएंगे, कल मैं सुबह आपको पूरा रूटीन दिखाऊंगी जो जो मैं बनाऊंगी। और जहाँ जहाँ हम जाएंगे देने, जहाँ क्या हम मंदिर ही जाएंगे, वहाँ मिल जाती लड़कियाँ। तो कल अपना ये रूटीन रहेगा। तो चलिए गाइस, अभी बज रहे हैं पौने चार हो रहे हैं। तो अब हम जाएंगे सोने, कुनाल भरेंगे पानी, मतलब कुनाल स्विच लगाएंगे, मोटर पानी भरेगी और हम चलते हैं अंदर सोने। और फिर मैं मिलूँगी आपको शाम को। शाम को क्या बनाएंगे,
फोन आया किसी की, चल रहा है। शाम को क्या बनाएंगे सोचेंगे। क्योंकि ना गाइस कल भी आलू हो गए और रात को भी आलू हो गए और अभी भी पूरी में आलू डले हैं। यश रात को फ्रूट चाट ना बना ले मस्त। आलू 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 हो क्या, आलू हो जाओ, 3 दिन आलू खाते रहो। चलिए देखते शाम की, शाम तो हम मिलते हैं शाम को। सी यू सम टाइम, आई विल बी बैक सून, डोंट गो एनीवेयर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा आंसू में पड़ी रही हो। अच्छा नहीं लग रहा। कब लगता कभी तुम्हें? अच्छा यार पता है क्या है, हम व्रत ना इतना रखते नहीं, और रखते हैं तो जैसे कभी वो आता है ना नवरात्रि, मतलब किशन क्या है, जन्माष्टमी आ गई, नवरात्र शिवरात्रि आ गई, एक एक रख लिया। ये 2 दिन रख के ना पेट को ना थोड़ा सा ना, लोग फास्ट रखते हैं कि पेट थोड़ा, पेट को आराम मिले। यहाँ पे पेट की ट्यूनिंग बिगड़ गई है। मतलब ना हैवी हैवी लग रहा है, और अभी मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। पर खाना पड़ेगा क्योंकि कल कन्याओं को देने के बाद ही खा पाएंगे, फिर भूख लग सकती है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। कुट्टू की पूड़ी बनाई थी आपने ब्लॉग में देखा होगा, कुट्टू की पूड़ी बनाई थी। अब ये कह रहे हैं फिर से आलू, क्या है बनाने का? साबूदाने खिचड़ी खाते नहीं है, तो साबूदाने खिचड़ी पता कितनी अच्छी है। बाकी मैं भी सो गई थी यार, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी यार, पता नहीं क्या हो गया था, बहुत नींद आ रही थी। क्यों के साथ सो गई थी थोड़ा अपना काम करके, अभी वो वासी आ रही है। तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं आज। इनको तो डकारों पर डकार आ रही है। कुणाल का क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? ब्लोटेड सा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इनके पेट में ना कुछ चिपक गया है, अटका पड़ा है, अटका पेट में, अटका पेट में, पंपिंग करनी पड़ेगी। सर्विसिंग चाहिए पेट को, सर्विसिंग, ड्रेनेक्स डाल दो पेट, सुनो ड्रेनेक्स डाल दो पेट में। नाली थोड़ी ना है पेट, नाली तो होता नहीं, तड़िया नहीं होती अपने खाने की, वो नाली होती है, वो पाइप है, नाली नाली पेट की नाली है। रखियो ये तो सही है। अरे बोल दो हेलो, पहले फ्रैंक किस कर दो सबको, और आंख मार दो, और पुष्पा भी कर दो सबको, पुष्पा पुष्पा कर दे, और क्या करता है दिखा दे, और क्या करता, अच्छा स्पाइडरमैन कर दो स्पाइडरमैन। गाइस इसकी स्पाइडरमैन जो है ना वो जायंट व्हील की तरह चलता है, यूं और कोई मैनिक्योर कर रहा है एज यूजुअल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए डेली इसका मैनिक्योर का टाइम है। ये क्या कर रहा है, ए मक्की नाखून देख उसके तरह कितने बड़े बड़े हैं, नीचे हट यार तू, सर भालू की तरह तो तेरे नाखून है बड़े बड़े। बेटा क्यों मेरे फोन क्यों ला रहे हो, हाँ चलो तो मैं चिल्लाया क्यों, पागल ऐसे इतने जोर से चिल्लाते हुए। गाइस ये देखना क्यू को, ये क्या लेके आया, ये छोटा सर्जन कबीर सिंह। ये देखना गाइस, ये सर्जन ग्लव्स पहन के अपने खिलौने उठा रहा है। क्या कर रखा है, हैंड दिखाओ, दिखा दो हैंड, उतर गया, रुक जा। इसको ब्लू वो डॉक्टर वाले गाउन पहनाने के दे रहा है, डॉक्टर बनेगा तू, और ये ग्लव्स पहन के क्यों तू अपने खिलौने निकाल रहा है, हैं सैनिटाइज नहीं है क्या? ये क्या क्यों क्या पहना है, और ये उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी ट्रेन 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 टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ट्रेन ट्रेन कुछ भी करता रहता है गाइस ये। चलिए और गोरा मैक्स नीचे दिख रहा है हमको, टांगे दिख रही है तो, और ये देखो इसने क्या करके रखा हुआ है ऑल आउट का, क्या हुआ, ठीक तो है, ठीक तो है। ये गाइस हमारा कल वाला व्लॉग चल रहा है, पापा के घर वाला, पापा के बर्थडे वाला व्लॉग। क्या करना है, निकाल दे, कैसे निकाल रहा देख,
गाइस आज मैं कुदाल के खोल खोलने वाली हूँ, इनका जो प्यार है ना मेरे लिए वो दिखावे वाला है। मुंह छुपा के फिर रहे हो क्योंकि खोल खोल रही हूँ मैं ऐसे। कभी भी मैं कुछ इनके लिए बोलती हूँ ना कि तुम लकी हो मैं तुम्हें मिली हूँ, ये मुझसे बोलते नहीं मैं खुद लकी हूँ, सब चीज़ें मुझे करनी आती है, तभी मेरे को प्यार से नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं लकी हूँ तो मुझे मिली है। मुझे तो निकालना, मुझे बोलते मर्द जैसी शक्ल है तेरी, मुझे तो निकालना कम से कम, मैं ट्रिमर यूज करूंगा एटलीस्ट। तो अच्छा लगता है यार वाइफ को, अच्छा लगता है कि चल झूठे मुंह ही बोल दे, चल वाइफ को पता ही मत चलने दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चला तो दो, वैसे ही बात चल रहा है, झूठे मुंह तो कभी तो बोलूंगा, झूठे झूठे मुंह ही बोल दो। हां तुम, मैं बहुत लकी हूं, तुम हां बहुत लकी हो और तुम मुझे मिली है, बस यही सुनते रहो सारा टाइम से, बस मैं तो खुद ही कर लेता हूं, मैं तो खुद ही कर लेता हूं, क्या बोलूं शादी के बारे में, कैसे बोल सकते हैं। चलो गाइस आलू की सब्जी, मैं आपको दिखाती हूँ आलू की सब्जी बनाई है कुणाल ने, ये देखिए, ये कुणाल ने आलू और पनीर की सब्जी है ये, बनाया है। और मैं बनाऊंगी कुट्टू की पूरियां। और गाइज मैं अभी ना छोले भिगो कर करती हूँ कल के लिए, तो चलिए छोले भिगोते हैं। तो गाइस कुणाल ने ये मूलियाँ ली हैं जो छील ली हैं, और हरी मिर्च और नींबू, तो ये बनाने जा रहे हैं मूली का लच्छा जो कि यूपी में हमारे फेमस है। बोली तो ये मैं कचरा उठा के फेंकती हूँ, आप देखते कुणाल कैसे बनाते हैं। बड़ी मेहनत कर रही हो, वैसे तो करती नहीं हो इतनी, क्यों किचन साफ रखना सबकी एक औरत का धर्म होता है। कच्चे की डब्बा नहीं दिखाऊंगी गाइस मैं आपको, क्योंकि उसमें से आधे से आधा कचरा मैंने फैलाया हुआ था। ये देखो हमारे हीरो आ गए। सुबह से अब आए हो तुम व्लॉग में, पता है चार तो बाहर नहीं आते, गिर के दिखा दूं मैं लोगों को कि मैं तुम्हारे पैरों में पड़ के बोलती हूँ व्लॉग में आ जाओ। पड़ चल, अब उसके लिए ट्राईपॉड खड़ा करना पड़ेगा यार, बकवास मत करो, लच्छा बना लो वरना लच्छे पड़ जाएंगे। हर घर की ऐसी है क्या कहानी, घर घर की। बस गाइस दो तीन सिटी और फिर हम ये इस आवाज़ से मुक्त हो जाएंगे। ये गाइस मैंने क्यू के लिए ना खिचड़ी चाहिए, क्योंकि देखो वो तो कुट्टू का खाना और वो आलू कुट्टू की पूरी खाने से तो कुट्टू गर्म होता है बच्चों के लिए, तो ये मैंने इसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी चढ़ाई है। तो बोली तो आज क्यू ये खाएगा, तो चलिए देखते हैं लच्छा कैसे बनता है। Stay, sit, don't move, stay, sit, no, sit, what is this? Dancing. Sit, Max, sit. क्या करते रहते, दो पैर पे बंदर लगता है पूरा, बैठ जा। क्या हुआ? तो गाइज ये मूली हो रही है कद्दूकस, बड़ी अच्छी स्पीड है यार, ध्यान से नाखून उंगली ना आ जाए फटाफट, जोश के चक्कर में होश ना खो देना। खाना बनाता हूँ ना, आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ। तो कद्दूकस नहीं करते, अंडे उबालने आते नहीं तुम्हें? हाँ यार यही नहीं आता बस। गाइज खाना बना लेता जब अंडे उबालने नहीं आते, पता नहीं चलता है अंडों का क्या सिस्टम है, कौन सी मुर्गी से आए हैं, जल्दी कितनी देर तक उबालने, जैसे ये सारे काम तो यही करती है अंडे वगैरह उबालना। ये देखो वो जो मूली है ना गाइस, ये सारी मूली कद्दूकस करनी है, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ आगे। ये
कुणाल ना अपनी सीक्रेट रेसिपी रखते हैं, मैंने कहा था बुलाना और देखो कह रहे मिर्ची काट दी, तो उन्होंने ये मिर्ची ऐसे चॉप करके डाल दी है। नींबू निचोड़ने वाला है हमारे पास? नहीं, मेरे को हाथों से ज्यादा बेटर लगता है। When we have the औजार, then why are you using your hands? Because the औजार are always made by hand, so the hand is always better. सही पीजे था ये? पीजे नहीं था, सच्चाई तो यही है, हाथ से यूज नहीं करोगे कोई चीज तो फिर क्या है? जब पता है मेरे को अपने हाथों पर भरोसा है। लेमन स्क्वीजर से ना अच्छे से निकल आता सारा जूस। कुछ नहीं निकलता। ये देखो बीज बीज भी डालोगे तो? अरे रुक जाओ, सबर तो कर लो यार। भाई देखो ना बीज डाल दिए। अरे रुक जा, मेरी माँ रुक गई। अच्छा गाइस इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, तो हमारे पास अदरक है नहीं। खत्म हो गया, खत्म हो गए। चाय में डालेंगे, खत्म हो गया। चाय में पी लिया तो पर अदरक डाल के बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना, कद्दूकस करके इसमें मिर्च डाल दो, सेंधा नमक डाल दो क्योंकि फास्ट में खाना है। तो हम इसमें अब डालेंगे, निकालेंगे पहले। अच्छा गाइस हाथ मैंने धो लिए थे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि व्रत का खाना बन रहा है, कोई भी खाना बनता है तो हम लोग हाथ धोते रहते हैं हर चीज में। ज़्यादा थे भी नहीं ना। तो गाइस मसाला डालने से पहले ना, मतलब नमक डालने से पहले इसको हम इसमें डाल देते हैं बोल में। तो गाइस नींबू मैंने डाल दिया है, अब इसमें ये सेंधा नमक है जो बिल्कुल ही फ्रेश शुद्ध है, कुछ इसके अंदर कोई झूठा चम्मच वगैरह कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा हाफ, ज़्यादा खारा मत करना, जल्दी ज़्यादा खारा होता है यार ये। बस हो गया, हाफ चम्मच ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला। अब इसको हाथों से नहीं मिक्स करूँगा, मेरा ना देसी तरीका है, ये देखो इसको कर ऐसे शेक शेक शेक। तुम कुछ शेक हो रहे हो, तुम कुछ शेक हो रहे हो, ये शक्ल देख रहे इनकी, कौन सा डांस कर रहा है? बस हो गया, मूली की बेचारी की हालत खराब। ये लो ये गाइस शेक हो चुका है, ये रहा मूली का लच्छा। धनिया भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो, पर धनिया है नहीं। कुछ होता है हमारे घर। तो गाइस ये था मूली का लच्छा, हम तो खाएंगे। तैयार हो चुका है। हाँ एक तरह से सैलेड है ये। Hey guys, welcome back to my channel again. तो ये खाना है, रुको मैं आपको ठीक से खाती हूँ, सुनो यहाँ की लाइट लगा था एक मिनट, जब मैं व्यूवर्स को खाना दिखा दूँ। तो ये देखिए ये दही ली है मैंने, ये आलू और पनीर की सब्जी, मतलब पनीर था तो हमने पनीर डाल दिया, ये उसकी सब्जी है, ये कुणाल ने जो लच्छा बनाया था वो है। और गाइज ये मैंने ना आज कुट्टू की हमने पूड़ियाँ नहीं निकाली, हमने रोटियाँ बनाई हैं, तो ये मैंने रोटी बनाई है और अच्छी बन गई, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। और ये दोपहर की कुट्टू की पूड़ी पड़ी थी तो मैंने ले लिया। तो गाइज अब हम खाना खाएंगे और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और कियान को मैंने खाना खिला दिया था जैसे कि आपने देखा था, अब ये खेल रहा है खाना खा के और मैक्स देख रहा है कि मेरे को कब मिलेगा खाने को। वैसे तो उसको डाल दिया था खाना, पर ये मेरे साथ भी थोड़ा बहुत खाता है। और ये कुणाल के पापा, सॉरी कियान के पापा, कियान के पापा, कुणाल का पापा कुणाल ही है। अच्छा ना, तो चलिए गाइस खाना खाते हैं और आप भी आइए खाना खाते साथ में। सी यू इन सम टाइम। वेलकम बैक गाइस, तो 10:15 होने, हमने खा पी लिया है, कुणाल थोड़ा लेट ही खाते हैं, वो खा लेंगे 11:30 तक। और मैं वाटर पी रही हूँ और हम बैठे हुए हैं। तो गाइस आज का पानी बोलते हुए क्या जबान में कुछ हो रहा था? पानी पी रही हूँ, पानी जल, वाटर पी रही हूँ। H2O बोलते हैं? आमी जल खाबो, खाबो बंगाली खारी है, आमी जल खाबो। अच्छा खाबो होता तो है। हाँ तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। कल है अष्टमी, कल हम कन्याएं पूजेंगे। घर पे तो देखो कोई बुलाता नहीं कोविड की वजह से, मंदिर ही जाएंगे। लड़कियां हमारे यहाँ पे वैसे ही कम है बहुत,
तो मॉर्निंग से लेके हम पूरा शाम तक का रूटीन आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं कल, एंड आज के लिए गुड नाइट, टाटा, लव यू ऑल, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, टाटा, क्यान, टाटा, 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 आप भी करी दो मेहरबानी करके, टाटा, 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 गाइस, गुड नाइट, स्टे सेफ, बाय।